हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, अब हम अपने चैनल पे एक ऐसी क्रिया डालते हैं जिसकी काफ़ी डिमांड है और बहुत सारे हमें साधकों ने, लोगों ने फ़ोन से कांटेक्ट किया है। तो वो क्रिया क्या है कि जिस पे आदमी या औरत बेहोश होते हैं, उनको मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं या लकवा मार जाता है या पक्षाघात होता है या नीचे आती रहती हैं, ये बड़ी अजीब तरह की बीमारियां हैं। ये तभी होती हैं जब हमारी बॉडी की इनर टेक्नोलॉजी जो है, जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, सारा नाड़ी तंत्र जो है, जो 60,000 किलोमीटर लंबी नाड़ियां हैं और मास हमारा और एनर्जी अनबैलेंस हो जाते हैं, तो ये गड़बड़ होती है। तो इसको हम स्पिरिचुअल एंगल पे कैसे ठीक करेंगे? स्पिरिचुअल शक्ति लेने के लिए हमें काल भैरव के पास जाना पड़ेगा, जो महाकाल शिव शंकर का ही एक छोटा रूप है, उसकी आराधना करनी पड़ेगी। और ये बॉडी हमारा किंगडम ऑफ गॉड है, जो प्रभु ने दे रखा है, उसका ये पॉइंट है, ये माउथ है आपका, ये माउथ, और माउथ के नाक के नीचे, उससे भी नीचे ये पॉइंट है। इस पॉइंट को इंडेक्स फिंगर से दबाएंगे और पीठ को पूरा सीधा रखेंगे। और जब ये दबाया आपने ऐसे, तो अब ये उन लोगों ने करना है जैसे पहले बताया, जिनको बार बार नीचे आती हैं, जिनका कोई बॉडी का पार्ट लकवा मार गया है। अगर उनका राइट मार गया तो वो लेफ्ट हाथ से कर सकते हैं, या जिनको पक्षाघात है, घूमता रहता, सब हाथ पैर हिलते रहते हैं, बेहोश होते रहते हैं, तो उनको ऐसे बैठ के आराम से विराग करना पड़ेगा। और काल भैरव की वो घर में फ़ोटो ले आएँ या उनकी मूर्ति ले आएँ, और पहले ओम नमो शिवाय शिव जी को नमस्कार करके, उनकी वंदना करके, फिर काल भैरव जी को याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? काल भैरव नमो नमा, काल भैरव शंकरा, काल भैरव शंकरा, काल भैरव शंकरा, शिव स्वरूप शंकरा, काल भैरव शंकरा, काल भैरव शंकरा, भूतपति शंकरा, अरे भूतपति शंकरा, काली पुत्र शंकरा, काल भैरव शंकरा, काली पुत्र शंकरा, भूतपति शंकरा, डमरूधर शंकरा, काल भैरव शंकरा, काल भैरव शंकरा, भूतपति शंकरा, शिव स्वरूप शंकरा, शिव साया शंकरा, काल भैरव शंकरा, मेरा प्रभु शंकरा, काल भैरव शंकरा, काल भैरव शंकरा, शिव स्वरूप शंकरा। तो ये उनको विराग 3 मिनट तक करना पड़ेगा। तो ये इंडेक्स फिंगर से ये वाला पॉइंट जो है दांतों के साथ चिपटा रहेगा, जितने भी दर्द हो कोई बात नहीं, यहाँ से ही वाइब्रेशन जाएंगी सारी बॉडी के अंदर, जो मास को और एनर्जी को बैलेंस करेंगी। जितने भी हमारी बॉडी में देखो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, अब जो सेल्स इन बीमारियों के रिलेटेड हैं, जिनकी संख्या बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ये बीमारी आई, जब ये हम क्रिया करेंगे, काल भैरव महाप्रभु का विराग करेंगे, तो जो हमारे सेल हैं वो शक्तिशाली हो जाएंगे और ये सेल मरने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ये सेल मरेंगे किससे? महाकाल की, ये काल भैरव की वाइब्रेशन से, क्योंकि महाकाल की ही शक्ति है काल भैरव। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये मरेंगे, ये बीमारी आपकी मिट जाएगी। लेकिन साधक को कोशिश करनी है कि ये वाली क्रिया भी ब्रह्म मुहूर्त पे करे, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल ये पूरी क्रिया है और पूजा भी काल भैरव की है। और दूसरा साधक क्या कर सकता है कि वो अपने 1 महीने में किसी भी पूजा स्थल पे जाए और काल भैरव जी को कुछ चढ़ाए, जो भी वहाँ का रीति रिवाज हो, और उनका उनको श्रद्धा स्वरूप अर्पित करे कुछ ना कुछ। कई लोग कुछ फूल करते हैं, कई लोग कोई शराब करते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, जो भी वहाँ का रिवाज हो वो कर सकते हैं। हमारा यहाँ बात सिर्फ है कि हमें प्रभु को प्यार करना सीखना है
और काल भैरव को उनको अपने चित्त और अंतःकरण में बिठाना पड़ेगा, तो ये बीमारी उनकी मिट सकती है, कोशिश करें वो। हर हर महादेव।